मैं डॉक्टर कपिल कुमार, डायरेक्टर कैंसर सर्जरी, फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको हेड एंड नेक कैंसर के बारे में बताऊंगा। इसका इंसिडेंस हमारे भारतवर्ष में काफी ज्यादा है। ऑलमोस्ट 1/3 कैंसर जो है वो हेड एंड नेक कैंसर है, जो की मुंह के हैं, जीभ के हैं या वॉइस बॉक्स के हैं। इन एडिशन थायराइड कैंसर और पैंक्रियास कैंसर भी हेड एंड नेक कैंसर में आते हैं। इनका मुख्य कारण टोबैको कंजम्पशन, जो कि स्मोकलेस फॉर्म में है या स्मोकिंग फॉर्म में है। इन एडिशन कंबाइनिंग विद अल्कोहल जो है उससे इसका इंसिडेंस काफी बढ़ जाता है। टोबैको के कंजम्पशन से मुंह का ना खुलना, कोई अल्सर होना जो कि ब्लीड कर रहा हो, हील ना हो रहा हो, और आम दवाइयों से आवाज जो है वो अगर बदल जाए और ठीक ना हो रही हो तो उसको इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। इसका डायग्नोसिस काफी आसान है, क्योंकि जैसे ही हम मुंह खोलेंगे हमें कोई ना कोई बीमारी के लक्षण मिल जाएंगे, जैसे कोई अल्सर है, कोई गांठ है जो कि हील नहीं हो रही है, उसको मिल जाएगा। और इसका बहुत आसानी से ट्रीटमेंट भी आसानी से हो सकता है अगर हम इसको जल्दी से पकड़ लें तो। और इसका जो डायग्नोसिस है वो बायोप्सी से होता है। बायोप्सी के बाद में इसकी स्टेजिंग के लिए हम लोग MRI, CT स्कैन या PET स्कैन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट अप टू स्टेज 1-3 तक इसकी ट्रीटमेंट में ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें के ट्यूमर को निकालते हैं। इन एडिशन जहां ये फैलता है वहां की कुछ गांठें होते हैं वो भी निकाली जाती हैं। और क्योंकि ये मुंह के अंदर या मुंह के बाहर जो है सर्जरी की जाती है, तो इसके लिए प्लास्टिक सर्जरी भी बहुत जरूरी है, ताकि पेशेंट का रिहैबिलिटेशन आराम से हो सके। मोस्ट ऑफ द टाइम इन पेशेंट्स में रेडिएशन और कीमो का भी रोल रहता है, जिससे कि क्योर रेट बढ़ सके। हमें अगर वॉइस बॉक्स आता है तो वॉइस बॉक्स कैंसर के अंदर डायग्नोसिस में एंडोस्कोपी, MRI और पेट स्कैन का काफी रोल है। और शुरू के केसेस में हम लोग लेजर या रेडिएशन से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे ही अगर बीमारी बढ़ती है तो फिर वॉइस बॉक्स का निकालना पड़ सकता है। थायराइड कैंसर जो है वो एकदम सामने गले के पाए जाते हैं, और एक स्वेलिंग जो है वो गले में होती है जो कि धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इसका डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड और FNAC से किया जाता है। मेन ट्रीटमेंट इसमें सर्जरी है, और अगर ये अच्छे किस्म का होता है तो इसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन दी जाती है। अगर ये अच्छे किस्म के कैंसर जो कि वेल डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर होते हैं, इसमें क्योर रेट ऑलमोस्ट 90-95% तक रहता है। जो पैरोटिड कैंसर है वो हमारे गले के साइड कान के पास में पाए जाते हैं। इसका डायग्नोसिस FNAC और MRI वगैरह से आसानी से किया जा सकता है। इसमें भी मेन ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही है, जिसके लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है।